अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स। आज से हम फ्लूइड मैकेनिक्स को सीखेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स वन में कोर्स कंटेंट्स मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं पहले। उन्हीं कोर्स कंटेंट्स को कवर करने के लिए हम ये फॉक्स एंड मैकडोनाल्ड की बुक है, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, इस बुक को फॉलो करेंगे और चैप्टर वन इसका हम करने के लिए जा रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी टर्म्स हैं, इंट्रोडक्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करना चाहूँगा। तो इन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं कि इन टर्म्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, या फ्लूइड मैकेनिक्स में जब इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे तो क्या काम हमने करना है। तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डेफिनेशन से पहले कुछ डेफिनेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उनसे पहले एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, मैट इज वट मेकअप ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। याद रखिएगा, तमाम के तमाम जो सब्सटेंसेस हैं दे आर फॉर्म विद मैटर। वी नेमली लुक एट मैटर एज अ मॉलिक्यूल एंड एटम्स दैट मेकअप मटीरियल एंड केमिकल सब्सटेंसेस। ऑब्वियसली मैटर से मिलके केमिकल सब्सटेंसेस एंड मटीरियल्स जनरेट होते हैं, और इसके अंदर मैटर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज मास, ठीक है, और इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट दैट इज एटम। यानी कि ये जस्ट इंट्रोडक्शन है एक प्रॉपर वे में हम चीज़ों तक पहुंचने के लिए, फ्लूड तक पहुंचने के लिए, कि बेस जो है वो मैटर है और उसका जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है दैट इज एटम, और जो मैटर है फिर वो फर्दर एग्जिस्ट कर सकता है डिफरेंट फॉर्म्स में डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम्स। और उसके अंदर फॉर्म्स कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे हम आम रूटीन में कहते थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने इसको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस नहीं कहा, कि टू फॉर्म्स ऑफ मैटर्स आर सॉलिड्स एंड फ्लूड्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जब बात करते थे, सॉलिड की जगह पे तो सॉलिड ही आ गया, लिक्विड और गैसेस को रिप्लेस कर दिया गया है किसी और नेम के साथ जो कि फ्लूड है। तो फ्लूड के साथ हमने इसको रिप्लेस कर लिया है। इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली बाउंड टू अनदर बाय मॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड्स के अंदर क्या सिचुएशन होती है कि उसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स क्लोजली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और ऑब्वियसली उसकी अपनी एक प्रॉपर शेप होती है, वॉल्यूम होता है, और जबकि लेट सपोज रॉक्स हैं, कंक्रीट, उनके अंदर जो है वो स्ट्रांग जो फोर्सेस हैं हमें आम रूटीन में नजर, मतलब हार्डनेस का कॉन्सेप्ट होता है उनके अंदर, और जब हम इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली दे टेंड टू ब्रेक, इनके अंदर ब्रेकेज जो है वो अक्कर हो सकते हैं। वेल, सॉलिड आर ऑफन कम्पोज ऑफ क्रिस्टल, ग्लासेस और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, जैसे कि रबड़ और पेपर वगैरह हैं, तो इस इन चीज़ों से कहते हैं कि बिल्कुल बने होते हैं। और सम सॉलिड आर अमॉर्फस सच एज ग्लासेस, ये आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो बाद में ये जो रेजा रेजा हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो किस चीज़ के साथ है, हमारा कंसर्न फ्लूइड के साथ है। तो ये इसकी जहाँ पे तो वैसे डेफिनेशन ही आ गई डायरेक्ट, अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली व्हेन सब्जेक्ट टू शियर स्ट्रेस रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्मॉल द शियर स्ट्रेस मे बी। यानी कि आप जितना मर्जी कम या ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें, ये सब्सटेंस क्या है, कॉन्टिन्यूस इसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड का नाम दे देते हैं। ओके,
दिस मीन्स दैट फ्लूड विल फ्लो, ऐसे जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, इसी का नाम फ्लो है, कि कंटिन्यूसली पैटर्न चेंज हो. फ्लो जब होता है ना किसी भी चीज का, जब हम कहते हैं फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब उसमें कंटिन्यूस चेंजेस आ रही है, एब्रप्ट चेंजेस नहीं है, सडन चेंजेस नहीं है. तो इसका मतलब फ्लूड जब फ्लो करता है सब्जेक्ट टू द शेयर स्ट्रेस के, जब उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो फ्लो करता है. एंड कन्वर्सली फ्लोइंग फ्लूड्स विल जनरली एग्जिबिट द प्रेजेंस ऑफ शेयर स्ट्रेसेस. हाँ, अब हम आ जाते हैं इसको देखते हैं कि कैसे ये जो है हमारे पास फ्लो कर रहा होता है, या फिर जब हम कहते हैं कि फ्लूड फ्लो करने का जो प्रोसेस है वो क्या है. तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक रखता हूँ. ओके, ये देखें यहाँ पर अगर हम देख पाए आप इसको. ये देखें यहाँ पे मैंने डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूड ली है कि लेट्स सपोज बिटवीन टू बाउंड्रीज, ये आप लोगों के पास फ्लूड है, ये सॉलिड सर्फिसेज हैं, ऊपर वाली सर्फिस जो है वो मूविंग मूवेबल है. तो जब आप लोग, ये बिल्कुल मतलब वही सिचुएशन है कि जैसे हम ये कह लें कि अगर बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है, यानी कि किसी केनाल के अंदर आप लोगों के पास लिक्विड मौजूद है, आपने उसके ऊपर पीस ऑफ पेपर रखा हुआ है, तो पीस ऑफ पेपर को आप हिलाना शुरू कर देते हैं, मतलब ऊपर से खींचते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके ऊपर एक्चुअली फोर्स लगेगी. तो ये जब आप लोग इसको इधर खींचेंगे तो इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगी वो ये है कि आप स्टार्ट में फोर्स लगाते हैं तो जो पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद थे, ये मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो पॉइंट जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ये डॉटेड लाइन तक, उतनी देर में अगली पोजिशन भी यहाँ पे, मतलब ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आई और सारे के अंदर ही. और जैसे जैसे आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं ऊपर देखें चेंजेस ज्यादा हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं निचली बॉटम को अभी कुछ भी पता नहीं चला, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं डिफॉर्मेशन बढ़ रही है, मतलब ये जो डिफरेंस है उनको बढ़ता चला जा रहा है. और जैसे जैसे फोर्सेज इंक्रीज करते जाएंगे, देखिए ये वाले डिफॉर्मेशन बढ़ती चली जा रही है. तो हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे फोर्स अप्लाई होती है डिफॉर्मेशन वैसे वैसे बढ़ती है. आगे इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसके. ओके, उसके बाद है फ्लूड मैकेनिक्स. फ्लूड मैकेनिक्स की डेफिनेशन है यहाँ पर थोड़ी सी. The fluid mechanics is the study of flow of the fluid, involves various properties of fluid such as velocity, pressure, density, temperature. यहाँ पर actually fluid mechanics की और mechanics की definition है. Definition अभी मैं इसके बाद discuss करने लगा हूँ तमाम की तमाम, कि इसके अंदर बहुत सारे important concepts आते हैं और जिसके अंदर फिर हम further fluid statics और hydrostatics की बात करते हैं fluid mechanics के अंदर. अच्छा, fluid डायनेमिक्स जो है विच इज इट सेल्फ विद फोर्स वैन नो चेंजेस इन मोमेंटम अकर्स, एंड फ्लूड डायनेमिक्स यानी कि यहाँ पर एक्चुअली फ्लूड स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की हम बात करते हैं इन जनरल, जो हम डिफाइन करेंगे इसको. जो एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है फ्लूड मैकेनिक्स के वो कौन कौन से हैं. एरियाज ऑफ एप्लीकेशन के अंदर याद रखिएगा कि गुड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स आर एसेंशियल इन एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एनी सिस्टम इन विच अ फ्लूड इज द वर्किंग मीडियम. यानी कि जहाँ पर फ्लूड एज अ वर्किंग मीडियम हो, जहाँ पर भी फ्लूड इन्वॉल्व हो, यानी कि लिक्विड और गैसेज जहाँ पर इन्वॉल्व हों, वहाँ पर फ्लूड मैकेनिक्स का जो बेसिक नॉलेज है, या यूँ कह लें कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लोग इसमें सीखेंगे, ये अप्लाई करना बहुत आसान होगा. डिज़ाइन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हमने देखना है कि कैसे डिजाइनिंग जो है वो हेल्प आउट करती है. प्रोपल्शन सिस्टम रॉकेट के अंदर, और ये तमाम का तमाम फ्लूइड मैकेनिक्स पे बेस कर रहा होता है. फ्लूइड मशीनरी, फैंस, कंप्रेसर्स, टरबाइन, लुब्रिकेशंस, ठीक है, ये तमाम के तमाम वो एरियाज हैं जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एक अपना बड़ा वाइटल और पिविटल रोल है. हीटिंग एंड वेंटिलेटिंग सिस्टम, ये मैंने कुछ एक्चुअली स्टार्ट में ये इसकी एप्लीकेशन जहाँ जहाँ पे हैं वो मैंने ड्रा की थी. ये देखें जैसे कि नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है, नेचुरल फ्लोज को, उसकी डिस्कशन वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा. इसी तरीके से जो हमारे पास है ये टर्बाइन्स में पावर प्लांट्स जो हैं हमारे पास, बोट्स हैं उनके डिज़ाइनिंग, ठीक है, मूवमेंट जो है, ह्यूमन बॉडी ऑब्वियसली, इसके अंदर हम स्पेशली ब्लड प्रेशर मेजरमेंट या जितनी भी हमारे अंदर
जो ब्लड फ्लो है या यूँ कह लें कि एयर फ्लो है, सारे का सारा पाइप सिस्टम की तरह पे एक्ट कर रहा होता है। हम ये कहेंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स हमें हेल्प करेगी। एरोडायनामिक्स बहुत बड़ा एरिया है जिसमें एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट के बारे में बात की जाएगी। कार्स, एरोडायनामिक्स से रिलेटेड मतलब जो कार्स है उनकी डिजाइनिंग की हम बात करेंगे, उनकी मोशन, जिनकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है, उनकी मूवमेंट कैसे अपना रोल प्ले करती है। इंडस्ट्रियल एरियाज में जहाँ पर पाइपिंग सिस्टम है या फ्लूड अपना रोल प्ले करता है, यानी कि जहाँ पर जहाँ एयर मतलब गैसेस और लिक्विड्स का रोल आ जाए, विंड टर्बाइन्स आ गई, ठीक है, और पाइपिंग एंड प्लम्बिंग सिस्टम जो है, जहाँ कहीं भी आप लोग ये कह रहे हैं कि लिक्विड गैसेस का रोल आ जाए, वहाँ वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, ये तो उसके एप्लीकेशन एरियाज आ गए थे कि विंड टनल्स आ गई। अब हम उन सारे की जो डेफिनेशन हैं या जो बेसिक डेफिनेशन हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो कि हमें फर्दर जब हम रीड कर रहे होंगे तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगे, तो उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होगा और इस कोर्स को समझने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, दैट इज मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड वेट इज कॉल्ड मैटर। जो चीज मास और वेट रखती है उसको क्या नाम देते हैं हम, मैटर का नाम देते हैं। और टू डिफरेंट स्टेट्स में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वन इज फ्लूड एंड अदर इज सॉलिड। फ्लूड क्या है, अब देखें ये इसके अंदर फिर हमने फर्दर दो कैटेगरी कर दी ना, कि फ्लूड के अंदर ही हमने लिक्विड और गैसेस दोनों के दोनों को एंटर कर लिया हुआ है। दूसरी तरफ सॉलिड, फ्लूड क्या चीज है, सबसे पहले फ्लूड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन एट रेस्ट कैन नॉट सस्टेन अ शियर फोर्स। इसकी एक डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है, दैट डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, कि जब इसके ऊपर शियर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो ये कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता है। और ये बिल्कुल वही डेफिनेशन ही है, यानी कि जब शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो ये अपने आप को सस्टेन नहीं रख सकता या अपने आप को उसी तरह होल्ड नहीं करता, जैसे कि सॉलिड है, वाल है, वाल को आप पुश करते हैं ना सॉलिड को, तो फिर वो जरूरी नहीं कि मूव करे, गिर जाए, वो अपनी जगह बरकरार रख सकती है। लेकिन गैसेस और लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके ऊपर थोड़ा सा भी शियर स्ट्रेस अप्लाई होगा वो डिफॉर्म होगी, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगी आएगी। और ये दो स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, किस किस में, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर। यानी कि फ्लूड की फर्दर टू कैटेगरीज हैं, फ्लूड की टू फर्दर कैटेगरीज हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। और लिक्विड्स क्या है और गैसेस क्या है, ये दो तरह के हैं। आप गैसेस ऐसी होती है जिसको आपको पता है कि कंप्रेस कर सकते हैं, जिसका जो वॉल्यूम है आप कम ज्यादा कर सकते हैं, एक बड़े सिलेंडर के अंदर भी एक वक्त में रखा जा सकता है, मतलब 1 kg गैस है तो आप उसको 10 kg के भी अंदर रखेंगे तो वो उसके अंदर फैल जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जो लिक्विड्स हैं, ये जितने वॉल्यूम का होगा उतने ही वॉल्यूम के अंदर आएगा, शेप उसकी चाहे चेंज हो जाए। यानी कि फ्लूड, ऐसा फ्लूड जिसकी जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट हो लेकिन शेप, मतलब जाहिर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप आएगी, शेप डिफरेंट हो सकती है लेकिन वॉल्यूम जो है वो मखसूस रहे, डेफिनेट वॉल्यूम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लो या लिक्विड। यानी कि लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लोज होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लोज होते हैं। कंप्रेसिबल फ्लूड क्या होते हैं जी, कंप्रेसिबल फ्लूड बेसिकली वो फ्लूड होते हैं जिसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता और शेप भी डेफिनेट नहीं होते। कैसे, गैसेज है ना, जिस शेप में डालेंगे उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस वॉल्यूम में मतलब जितना वॉल्यूम में डालेंगे, 10 kg वाले में डालेंगे 10 kg वाले में चली जाएगी, और यानी कि 10 क्यूबिक मीटर के अगर होगा तो 10 क्यूबिक मीटर वाले में, 1 क्यूबिक मीटर का होगा तो 1 क्यूबिक मीटर वाले। शियर फोर्स, द फोर्स विच एक्ट्स टेंजेंशियली टू अ बॉडी इज कॉल्ड शियर फोर्स। याद रखिएगा, फोर्सेस हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टू डिफरेंट वे से एक्ट कर रही होती हैं। लेट सपोज ये एक बॉल है हमारे पास, सॉरी कुछ सॉलिड सरफेस है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस है ना, फोर्सेस दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एक्ट कर रही होती हैं। एक वो फोर्सेस हैं जो कि उस अलॉन्ग द सरफेस एक्ट करते हैं, और कुछ फोर्सेस वो होते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट कर रहे होते हैं। तो जो अलॉन्ग द सरफेस एक्ट करती हैं उनको हम शेयर फोर्सेस का नाम देते हैं, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट कर रही होती हैं उनको हम नॉर्मल फोर्सेस का नाम देते हैं। क्योंकि हमें बार बार इस
का वर्ड यूज करना है तो शेयर फोर्स का मतलब है अलॉन्ग द सर्फेस, ठीक है जी। और यही यूँ कह लें कि टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता है फोर्स का, फोर्स के टेंजेंशियल कंपोनेंट के मीनिंग में भी इसको हम कह सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं फोर्स के टेंजेंशियल कंपोनेंट के मीनिंग में, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर जब हम देखते हैं तो फोर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके फोर्स के जो कंपोनेंट एक अलॉन्ग द सर्फिस लग रहा होता है और एक जो है हमारे पास परपेंडिकुलर टू द सर्फिस लग रहा होता है। ये देखें मैंने यहाँ पे इसकी डायग्राम में लिया हूँ कि जब भी कोई फोर्स किसी भी सरफेस पे एक्ट कर रही होती है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक लॉन्ग द सरफेस होता है, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो जो लॉन्ग द सरफेस जो इसका कंपोनेंट है उसको शियर स्ट्रेस कहा जाता है, और जो नॉर्मल होता है उसको नॉर्मल स्ट्रेस का नाम देते हैं परपेंडिकुलर को, ठीक है ना। तो इनके दो डिफरेंट नेम है, शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस। उसके बाद आ जाते हैं हम मैकेनिक्स की तरफ, के डेफिनेशन है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या चीज है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी आइदर एट रेस्ट और इन मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स। यानी कि जिसमें हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, किसी भी बॉडी के ऊपर, वो बॉडी एट रेस्ट भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, उसके ऊपर फोर्सेस का जो बिहेवियर है उसे चेक करते हैं, यानी कि बिहेवियर ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज आइदर एट रेस्ट आर इन मोशन, तो इसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। अब फिर अगर वो बॉडी फ्लूड हो जाए, बिहेवियर ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज की बजाय बिहेवियर ऑफ फोर्सेज ऑन फ्लूड, अगर वो बॉडी जिसके ऊपर आप लोग बिहेवियर ऑफ फोर्सेज देख रहे हैं आइदर रेस्ट इन मोशन, तो फिर वो बन जाता है फ्लूड मैकेनिक्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फ्लूड मैकेनिक्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, फ्लूड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। फ्लूड मैकेनिक्स में जब हमने कहा था तो बिहेवियर ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूड आइदर एट रेस्ट आर इन मोशन, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एट रेस्ट की, बिहेवियर ऑफ फोर्सेस एट रेस्ट ऑन फ्लूड, तो फिर वो फ्लूड स्टैटिक्स है। और जब हम मूविंग फ्लूड्स की बात कर रहे हैं तो उस पे बिहेवियर ऑफ फोर्सेस देख रहे हैं तो वो फ्लूड डायनेमिक्स। और फ्लूड फ्लो क्या है? मूविंग फ्लूड जो है, मूविंग फ्लूड को फ्लूड फ्लो कहते हैं, या यूं कह लें कि जो कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रही होती है वो फ्लूड फ्लो है। और उसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं? ओपन फ्लो है और क्लोज फ्लो है, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फ्लो वो है जिसमें जो फ्लूड फ्लो करता है, अब जब भी मैं फ्लूड का नाम लूंगा ना अपने इस पूरे कोर्स के दौरान, इसका मतलब लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल फ्लो के अंदर ये होता है कि जो आउटसाइड द बॉडीज, ठीक है ना, आउटसाइड द बॉडीज क्या मतलब है कि लेट सपोज हम ये कह लेते हैं कि एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो एरोप्लेन के बाहर से जो एयर ट्रेवल करके उसको टच करके जा रही है वो फ्लो एक्सटर्नल फ्लो है। दूसरी तरफ पाइप फ्लो जो है वो इंटरनल फ्लो है, ठीक है। उसके बाद ओपन फ्लो और क्लोज फ्लो है। ओपन फ्लो हमारे पास जो विद इन कन्फाइंड बाउंड्रीज जो है, अच्छा कन्फाइनिंग बाउंड्रीज के अंदर, जो कन्फाइनिंग बाउंड्रीज के अंदर होगा वो क्लोज फ्लो होगा, और अगर जो बाउंड्रीज हैं बहुत दूर हो, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद हो, तो हम उसे ओपन फ्लो कहते हैं। तो ओपन फ्लो के अंदर फ्लूड मोशन इन ओशन आ गया, कि ओशन का देखें आप उसकी बाउंड्री को तय नहीं कर सकते कि बाउंड्रीज की कहाँ है, या जिसे आप लोग कहते होते हैं कि बाउंड्री का तय ना हो जहाँ पर, ओपन फ्लो है। या फ्लो ओवर अ सर्फिस, अगर आप एयर फ्लो ओवर अ रूफ ऑफ पर्टिकुलर हाउस लेते हैं, तो एक साइड पे तो बाउंड्री है, दूसरी साइड आपको नहीं पता, तो ओशन की बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लोज फ्लो पाइप्स के अंदर है जैसे, तो जिसके अंदर बाउंड्रीज मौजूद हो, या विद इन कन्फाइनिंग बाउंड्रीज जो फ्लूड फ्लो होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, क्लोज फ्लो का नाम दे देते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम, आज का जो हमारा इस इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस के जस्ट एक्सप्लेन करने के बाद, आज हमने इस कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम को बड़े अच्छे तरीके से इन डिटेल डिस्कस करना है। इसके बाद हमने फ्लूड की डेफिनेशन को ही मतलब कंप्लीट जो है, और ये सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम जो चीज़ है इनको हमने डिस्कस करना है।
अच्छा, कंट्रोल वॉल्यूम क्या चीज है? इट इज एन आर्बिट्रेरी रीजन आर स्पेस थ्रू विच फ्लूड फ्लो, और इसकी जो बाउंड्री होती है उसको कंट्रोल सरफेस कहते हैं। अच्छा, आर्बिट्रेरी वॉल्यूम कैसे है? अगर आपको याद हो, जब हम बात करते थे मैथमेटिक्स के अंदर, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर उस किसी भी चीज़ का डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, डिफरेंशियल पार्ट लेते हैं, किसी भी सरफेस का डिफरेंशियल पार्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा एरिया उसका ले लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ जो उसकी थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। लेकिन अब लिक्विड का डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेंगे? तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज किसी भी लिक्विड के अंदर एक क्यूब टाइप एक शेप ले ली। अब जब क्यूब लेंगे तो उसकी जो बाउंड्री है वो तो नहीं ना नजर आएगी उसके अंदर, तो हम आर्बिट्रेरी बाउंड्री लगा लेते हैं, एज्यूम्ड बाउंड्री, ठीक है। और उस जाहिर है उस बाउंड्री में से भी फ्लूड फ्लो कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। और ये भी एट रेस्ट, मतलब इसकी जो बाउंड्रीज होती है, मतलब मूविंग बाउंड्रीज भी हो सकती हैं और एट रेस्ट भी हो सकता है कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, उसके बाद इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल में बिल्कुल वही आ जाएगा कॉन्सेप्ट जो आप लोग इससे पहले देख के आए हैं। जैसे वो क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट, वो यही था कि जब हम बात कर रहे होते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी की, तो इसका सारा ताल्लुक है डेंसिटी के साथ, मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है। तो डेंसिटी अगर तो वेरी करे, मतलब देखें मास है ना, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस को जैसे मैंने कहा कि 10 kg के सिलेंडर में डालेंगे तो वो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया है ना, मतलब मास बेसिकली तो होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, मास पर यूनिट एरिया। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़े दूर दूर होंगे, और मास यूं कह लें कि डिस्पर्स्ड सिचुएशन में होगा, दूर दूर फैल जाएगा। जबकि लिक्विड की अगर हम बात करें तो उसको जितना मर्जी आप लोग कंप्रेस कर लें, उसके जो जाहिर वॉल्यूम है उसने चेंज होना ही नहीं, यानी कि मास पर यूनिट एरिया चेंज नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो केस है इनकम्प्रेसिबल का है, जो लिक्विड्स हैं जिसके अंदर वेरिएशन इन डेंसिटी ना हो सके या डेंसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये ज्यादा बेहतर है कि जिसमें डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहे वो इनकम्प्रेसिबल है, और जिसके अंदर डेंसिटी चेंज होने के चांसेस हो, जैसे कि गैसेज हैं, तो वो कंप्रेसिबल फ्लोज होते हैं। अब डेंसिटी है क्या बोला? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो चीज होती है दैट इज नोन एज डेंसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसके बाद, के शीयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए फ्लूड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करें उतनी ही उसके अंदर डिफॉर्मेशन आए, तो वो होता है, उसे आप लोग कहते हैं कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी। और जिसमें और जिन जो फ्लूड्स इस लॉ को ओबे करते हैं कि जिनमें जितने आप स्ट्रेस अप्लाई करें उतनी डिफॉर्मेशन आए, उनको न्यूटोनियन फ्लूड्स कहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। टाव आई एक्स शेयर स्ट्रेस है, डी यू ओवर डी वाई रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, म्यू जो है ये हमारे पास विस्कोसिटी है, उसका गाढ़ापन है, ठीक है ना। तो इसको अभी हम देखते हैं जाके विस्कोसिटी को भी, कि बिटवीन टू फ्लूड लेयर्स एक रेजिस्टिव फोर्स होती है जिसको हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। तो इसकी अभी हम डेफिनेशन इसके बाद में लिखी हुई है, विस्कोसिटी यहाँ पर आएगी। तो टाव वाई एक्स इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, कि जितना शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही उसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। अब ये देखें विस्को इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी वैसे आना चाहिए था पहले, विस्कोसिटी को पहले डिफाइन करता हूँ फिर विस्को इलास्टिसिटी कहता हूँ। मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइडिंग मोशन ऑफ वन फ्लूड लार्जर ओवर अनदर इज कॉल्ड विस्कोसिटी, वन फ्लूड लेयर, ये बेसिकली वन फ्लूड लेयर ओवर अनदर, यानी कि हम जब रेजिस्टिव फोर्स देखते हैं, क्योंकि फ्लूड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स मूव करता है इसके अंदर, और एक फ्लूड लेयर की दूसरी फ्लूड लेयर के ऊपर मूव करते हुए जो रेजिस्टिव फोर्स है उसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का, और डिनोट करते हैं उसको म्यू से। और जितनी फ्लूड द लार्जर विल बी द विस्कोसिटी, अच्छा जितनी फ्लूड लेयर्स एक दूसरे के करीब होंगी उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी।
तो ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के मुताबिक म्यू का ये मैथमेटिकल रिलेशन है विस्कोसिटी का। अच्छा, विस्को इलास्टिसिटी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। विस्को इलास्टिसिटी बेसिकली वो मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर विस्कोसिटी भी हो यानी कि गाढ़ापन भी हो, जिसके अंदर रेजिस्टिव मोशन फोर्सेस भी हो, और इलास्टिसिटी भी हो कि वो अपने दोबारा, इलास्टिसिटी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है दैट के किसी भी ऑब्जेक्ट के दोबारा अपने ओरिजिनल पोजिशन में आने की जो कैपेसिटी है वो उसकी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के दोबारा अपने हालत में वापस आने की जो कैपेसिटी, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि हम बात करें फ्लूड की, तो उसके अंदर अगर कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करें, फोर्स अप्लाई करें, एक रेजरवायर के अंदर है तो वक्ती तौर पर डिस्टर्ब होगा, उसके बाद दोबारा अपने ओरिजिनल पोजिशन में आने की कोशिश करता है और उसको दोबारा अपने ओरिजिनल पोजिशन में जो लेके आती है प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। विस्कोलास्टिक फ्लूड ये वो हैं जिसके, वो फ्लूड्स हैं जिनके अंदर विस्कोसिटी एज वेल एज इलास्टिसिटी दोनों की दोनों एट्रीब्यूट्स, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज जिनके अंदर मौजूद होती हैं उनको विस्कोलास्टिक फ्लूड्स कहते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसके बाद। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहती है कि विस्कोसिटी और डेंसिटी इनकी जो रेशियो है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू डेंसिटी, विस्कोसिटी और डेंसिटी की जो रेशियो है उसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी का नाम देते हैं। फर्दर हमारे पास है जी न्यूटोनियन फ्लूड्स। न्यूटोनियन फ्लूड्स वो फ्लूड्स होते हैं, वो तमाम फ्लूड्स जिनमें शियर स्ट्रेस यानी कि जो यूं कह लें, आखिर में उसने लिखा हुआ है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को होल्ड करते हैं, यानी कि जिनमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जिसमें शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के, तो इनको हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूड्स। अब जिनके अंदर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के, उनको नॉन न्यूटोनियन कहते हैं। कैसे? पेंट्स आपने देखा होगा, वाटर है ना, वाटर के ऊपर आप जितनी, उसके अंदर एक स्टिरर या हलानी या कोई भी पाइप डाल लें छोटा सा, उसके जरिए आप उसको थोड़ा थोड़ा हिलाएं, जितना कम हिलाएंगे उतनी कम डिफॉर्मेशन होगी, जितना ज्यादा हिलाएंगे उतनी ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी। जबकि दूसरी तरफ पेंट है, पेंट को पहली दफा डिफॉर्म करने के लिए आप लोगों को देखें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और जैसे जैसे आप लोग बाद में देखते हैं, पहले आपको ज्यादा फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मेशन कम होती है, लेकिन बाद में जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा डिफॉर्मेशन आती रहती है। ये यूं कह लें कि उसका शुरू का बिहेवियर और बाद का बिहेवियर वो एक जैसा नहीं होता। इसका मतलब जो पेंट है या इस तरह की चीजें हैं वो नॉन न्यूटोनियन है, और जो वाटर है ये न्यूटोनियन। माइक्रोपोलर फ्लूड्स वो होते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्ट्रक्चर जो हैं नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रेस टेंसर इनके अंदर मौजूद होता है, इनको हम माइक्रोपोलर फ्लूड का नाम देते हैं। विस्कस फ्लोज जिनके अंदर विस्कोसिटी जीरो नहीं होती, इन विस्कस फ्लोज होते हैं और जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है। अच्छा, विस्कोसिटी जीरो हो नहीं सकती वैसे किसी भी टाइप के फ्लूड्स के, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं के विस्कोसिटी जीरो है। जाहिर है कुछ ना कुछ गाढ़ापन तो जरूर होता है, हर एक के अंदर किसी हद तक विस्कोसिटी या ये वाला फैक्टर जरूर मौजूद होता है, लेकिन हम बाज़ का एज्यूम कर लेते हैं अपने जो डिस्कशन है उसको सिंपलीफाई करने के लिए या अपने तमाम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कि इनविसिड फ्लोज, यानी कि जिसमें विस्कोसिटी जीरो ले लेते हैं स्टडी। इसी तरीके से जब फ्लूड प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, वो फ्लोज जिसमें फ्लूड प्रॉपर्टीज टाइम पे डिपेंड ना कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लोज, या टाइम इंडिपेंडेंट हो जिसे आप लोग कह लें तो वो स्टेडी होती हैं, और अगर टाइम पे डिपेंड कर रही हो तो उसे हम अनस्टेडी कहते हैं। ये एक्चुअली वो टर्म्स हैं जिनको मैं जस्ट डिफाइन थोड़ा सा कर रहे हैं, फर्दर जब हम इनकी डिस्कशंस करेंगे तो पूरा पूरा आर्टिकल इन सारों के ऊपर हमने बड़ी तफसील से इनके ऊपर बहस करनी है। यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लो ऑफ फ्लूड इज यूनिफॉर्म एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट नॉर्मल टू द फ्लो, यानी कि आप ये कह लें कि अगर हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं, और अगर वेलोसिटी नॉर्म क्रॉस किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल जो होता है ना वो फ्लो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कट किया जाता है, यानी कि उसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो यूं कर सकते हैं आप,
ये पाइप शायद मैं तकरीबन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा वैसे मैंने बना लिया है, ये इसको जस्ट चेक करेगा। यानी कि अगर फ्लो डायरेक्शन ये वाली है ना, तो याद रखिएगा अगर ये डायरेक्शन में फ्लूड फ्लो कर रहा है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यहाँ से कट लगता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसे हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म है, लेकिन पाइप के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक्चुअली वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, इसका पैटर्न भी हमने डिस्कस करना है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास है। आगे हम देखेंगे कि ये किन वजूहात के बिना पर ऐसा होता है। सरफेस फोर्सेस, वो फोर्सेस जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ सरफेस पर एक्ट कर रही होती हैं किसी भी बॉडी की, तो उसे हम सरफेस फोर्सेस का नाम देते हैं। जबकि बॉडी फोर्सेस वो होती हैं, वो फोर्सेस होती हैं जो कि विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो एक्ट करती हैं किसी भी मीडियम के ऊपर। और सरफेस फोर्सेस की बेहतरीन एग्जांपल, जैसे हम सिंपली फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ, और बॉडी फोर्सेस की जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं दे आर ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे ग्रेविटी एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती है, लेकिन कोई डायरेक्ट कांटेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि ग्रेविटी, या इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं, तो ये तमाम ऐसी टाइप की फोर्सेस हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन ये एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं कि ये तमाम टाइप की जो फोर्सेज हैं दे आर बॉडी फोर्सेस। वेल, इसके बाद हम देखते हैं लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर विजिट किया होगा किसी भी कैनाल साइट का, या किसी ओवरहेड ब्रिज के पास आप गए होंगे, तो आपने स्पेशली जहाँ पे ओवरहेड ब्रिजेस होते हैं तो उधर उन ब्रिजेस से पहले फ्लूड आपने देखा होगा कितना स्मूथली फ्लो कर रहा होता है, और उसके फौरन बाद बड़ा ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में या टेढ़े मेढ़े डायरेक्शन में वो फ्लूड जो है वो फ्लो कर रहा होता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल होती है किस चीज़ की, ये एग्जाम्पल है हमारे पास लैमिनर फ्लो की, जो वो स्मूथ फ्लो था जब लेमाइंस में या लेयर में, स्मूथ लेयर्स में मूव कर रहा था। जब अगर रैंडम या टू डायमेंशनल इररेगुलर जो फ्लो होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं टर्बुलेंट फ्लो का, इसको हम टर्बुलेंट फ्लो का नाम दे देते हैं। तो लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो को हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। लेट सपोज हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब आप लोगों ने देखा होगा इसको किसी स्मोकर को देखा हो कि उसकी सिगरेट की टिप के ऊपर से, सिगरेट्स की टिप के ऊपर से आपने देखा होगा कि फ्लो जो है वो बड़ा ही स्मूथ फ्लो थोड़ी देर के ऊपर जाके। हाँ, ये जो ब्रिकलिन्स होते हैं, भट्टे जो हैं, तो भट्टों के अंदर से जो धुआं निकल रहा होता है स्टार्ट में बड़ा स्मूथ होता है, थोड़ी देर के बाद वो इरेगुलर हो जाता है। तो ये सारी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को लैमिनर और टर्बुलेंट की देखने को मिलती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो, तो जो इनसाइड द डक्ट्स होता है उसको इंटरनल फ्लो कहते हैं, और फ्लो ओवर द बॉडी जो होता है उसको एक्सटर्नल फ्लो कहते हैं। इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी एरोप्लेन के साइड पे से, ठीक है, या किसी भी जो पिलर जो कि आपने देखा होगा किसी भी किनाल के अंदर पुट किया होता है को पिलर, उसके आसपास से जो जा रहा होता है फ्लो, वो एक्सटर्नल फ्लो के एग्जांपल्स हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल, जो वेलोसिटी होती है किसी भी आप लोग कह लें कि फ्लूड मोशन के दौरान, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम वेलोसिटी प्रोफाइल का नाम देते हैं। डेवलपिंग फ्लो, डेवलपिंग फ्लो ये होता है कि वेलोसिटी प्रोफाइल ना, जब भी फ्लूड फ्लो कर रहा होता है तो उसकी जैसे जैसे नेचर चेंज होती है वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज होता रहता है, लेकिन बाज़ुकात वेलोसिटी प्रोफाइल इतना इस्टेब्लिश हो जाता है कि उसके अंदर, वेलोसिटी प्रोफाइल के अंदर मजीद कोई चेंज नहीं आती। तो जितने रीजन के अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल के अंदर चेंजेस आती रहती हैं उसको हम डिवेलपिंग फ्लो कहते हैं, और जब फ्लो इतना इस्टेब्लिश हो जाए कि उसके प्रोफाइल के अंदर मजीद कोई चेंज ना आए तो उसको हम फुली डेवलप फ्लो का नाम दे देते हैं। और एंट्रेंस लेंथ, जब फ्लूड स्टार्ट हुआ, जब डेवलपिंग फ्लो, जब उसके अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज होना शुरू हुआ था, वहां से वहां तक जब वो फुली, जब वो डेवलपिंग फ्लो से डेवलप्ड फ्लो बन गया है कि अब उसके वेलोसिटी प्रोफाइल के अंदर मजीद कोई चेंज नहीं आ रही,
तो वहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एंट्रेंस लेंथ। फिर बाउंड्री लेयर, अब याद रखिएगा कि बाउंड्री के जो करीब जो रीजन होता है उसके अंदर रेजिस्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से आपने किनाल के पास खड़े होकर देखा हो तो किनारों पे फ्लूड जो है बड़ा स्लो मूव कर रहा होता है, जैसे जैसे आप लोग अंदर की तरफ जाते हैं फ्लूड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा होता है। उसकी वजह यह है कि बाहर करीब जो है, बाहर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर, या यूँ कह लें कि किनारों के करीब जो होता है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिव फोर्सेस जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो उन रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से हम ये कहते हैं कि वो रीजन जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद हों उसको हम बाउंड्री लेयर का नाम देते हैं। आगे हम इसको सेपरेटली जो है डिस्कस करेंगे, मजीद डिस्कशन इसकी, तो वो जो होगी हमारे पास बाउंड्री लेयर को मजीद क्लैरिफाई करेगी। डोर स्लिप कंडीशन है उसके बाद हमारे पास आखिरी, के फ्लूड लेयर जब भी किसी सॉलिड, यानी पर बात करता हूँ कि सॉलिड बाउंड्री के जब करीब आती है ना तो क्यों रेस्ट पोजीशन में होती है या उसकी जो स्पीड है वो कम क्यों होती है, कि जो हमने कहा कि लेयर टू लेयर फ्लूड फ्लो करता है, तो लेयर टू लेयर अगर वो मूव करता है तो जो लेयर बिल्कुल करीब होगी, जो लेयर बाउंड्री के साथ जुड़ी हुई है, तो एक प्रॉपर्टी नो स्लिप कंडीशन ऐसी है जो ये कहती है कि जितने लेयर के करीब पहली लेयर होगी वो एट रेस्ट हो जाएगी, वो भी उसी स्पीड से मूव करेगी जिस स्पीड से बाउंड्री मूव कर रही है। इसका मतलब है, तो पहली ये देखें, अ फ्लूड लेयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड बाउंड्री, जब भी फ्लूड लेयर किसी सॉलिड बाउंड्री के साथ इन कॉन्टेक्ट होती है, अटैच होती है, अटैच इट्सेल्फ टू द बाउंड्री, वो अपने आप को बाउंड्री के साथ अटैच कर लेती है एंड मूव्स टू द बाउंड्री, और बाउंड्री के साथ क्या करती है, मूव करती है। द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बाउंड्री, और इस लेयर की वेलोसिटी बिल्कुल उतनी ही होती है, वैसी होती है जो बाउंड्री की वेलोसिटी है। इफ द बाउंड्री इज एट रेस्ट, बाउंड्री अगर एट रेस्ट है, वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर विल आल्सो बी जीरो, तो जो लेयर बाउंड्री के साथ मिल गई है उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। इफ द बाउंड्री मूव्स, और अगर बाउंड्री मूव करे तो अटैच लेयर भी, यानी कि ये कह लें कि जो बाउंड्री की वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी के साथ जो बाउंड्री के साथ वाली अटैच की हुई लेयर है उसने भी उसी के साथ ही मूव करना है। तो ये हमारे पास इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये यूं कह सकते हैं कि वो चीज़ें आ गई हैं जो कि हमारे पास इसके बेसिक आइडियाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्म्स जो कि यूज होंगी फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर बार बार। तो इन टर्म्स को हमने पहले एक दफ़ा देख लिया ताकि जब अगर ये इनमें से कुछ टर्म्स आएँ तो आप लोगों को उसका पहले आइडिया हो। अब हम जो इसके बाद स्टार्ट करेंगे बेसिकली, वो हम चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे फ्लूड मैकेनिक्स का फॉक्स एंड मैकडोनल्ड से। रेगुलरली आप लोगों को मैं शेयर करता रहूँगा लेक्चर्स अपने, तो आप लोग देखते रहिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्लूड मैकेनिक्स के जो बेसिक आइडियाज़ हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम सीखेंगे और उनसे काफ़ी हमें जो है हेल्प मिलेगी। तो आज के दिन हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और जो एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस हैं या एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स हैं उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अगर कोई आप लोगों को इस हवाले से कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहें या किसी भी लिहाज से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं फ्लूड मैकेनिक्स वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्लूड मैकेनिक्स कोर्स में मज़ीद कोई इंटरवेंशन लाई जाए या पढ़ाने के हवाले से मज़ीद इसको किसी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, तो वो आप लोग अपनी सजेशंस दे सकते हैं।